नींबू पानी में पी रही हूँ, बहुत ज्यादा एसिडिटी हो गया है इसलिए। जी जी कितना गंदा करके रखी। लेमनेड मॉकटेल, और हमारा थोड़ा स्वेट है तो टॉक्सिन मिलके हो जाएगा कॉकटेल। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अनुराधा सिंह और आज हम लोग जा रहे हैं किनारा ढाबा जो कि लुनावला के पास है। सो वीडियो एंड तक ज़रूर देखें, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अभी हम लोग पुणे आए हुए हैं तो अभी हम लोग सब कोई जाने वाले हैं। अभी जो मेरी रूममेट थी हम उनके घर आए हुए हैं तो अब हम लोग साथ में घूमने का हमने प्लान किया है। अच्छा, हमारा प्लान था पहले 4 बजे जाने का, ठीक है, लेकिन हम सोए रह गए क्योंकि हम एक दिन पहले हम लोग हिंजेवाड़ी में रुके थे और हिंजेवाड़ी से फिर हम इधर आए दोपहर में, आज ही आए हैं तो फिर हम सो गए, 1.5 घंटे सो गए। उसके बाद हम लोग बहुत लेट उठे, उसके बाद हमने बोला कि चलो अब चलते हैं तो इस वजह से लेट हो गया, वरना शाम में हम लोग अगर निकलते तो पुणे का वेदर इतना सही है, बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं है यहाँ पर। दिल्ली में तो हम लोग जब दिल्ली में थे तो बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है। और शाम में जाते तो एक अलग मज़ा आता, लेकिन कोई बात नहीं, नींद पूरी हो गई अच्छे से। तो अभी हम लोग जा रहे हैं और अब हम लोग 60-65 किलोमीटर का सफ़र तय करके किनारा विलेज पहुँच चुके हैं। अंदर तो गाइस हम आ गए हैं किनारा विलेज। सो अभी हम लोग यहाँ पर एक्सप्लोर करते हैं। ये तो पहले भी आई है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ये इनकी चॉइस है। और ये क्यूट बेबी भी उठ गया। ओले बेबी, टुकुर टुकुर देख रहे हैं। इस जगह पे आप देख सकते हो लोग फिश स्पा ले रहे हैं, बट हमें अभी नहीं लेना, हम बाकी चीज चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो आप जगह को देख सकते हो, बहुत ही क्लीन जगह है, बहुत ही नीट एंड क्लीन, और बिल्कुल देसी वाइब्स यहाँ से आ रहा है। बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है ना कि जैसे रजवाड़ा लोग नहीं होते, वैसा फील हो रहा है। बहुत रॉयल फीलिंग्स आ रही है और साथ में कॉन्सर्ट भी चल रहा है। ये देखो रेडी हो गया है ये। खाने आए हो? घूमी घूमी उधर मुड़िए, इधर देखो, अभी वेटिंग चल रही है। कितना? हाफ एन आवर मिनिमम कॉल आएगा ऐसे ही। पहले कॉल आएगा, कॉल नहीं आया तो उसके बाद अनाउंसमेंट आएगा। अच्छा, अगर आपने पिक नहीं किया, अगर अनाउंसमेंट नहीं सुना तो।
ये देखो यहाँ पर बन रहा है जलेबी, और कितने अच्छे से ये जलेबी बना रहे हो, कितना फास्ट बना रहे हैं, मतलब कमाल का बना रहे हैं ये। तो हम लोग खाना खाने के बाद हमने सोचा है कि हम जलेबी और रबड़ी खाएंगे डिज़र्ट में। और कभी आपने ट्राई किया है जलेबी और रबड़ी, मतलब मज़ा आ जाता है खा करके। सो सबसे लास्ट में हम इसे डिज़र्ट में खाएंगे, और फिलहाल अभी प्रोसेस देखते हैं कि किस तरीके से ये बना रहे हैं। चलिए अब हम चलते हैं जू की तरफ और देखते हैं कि वहां पर क्या है। ये है जू। अरे इसको देखो कितना मस्त है, क्या खुला हुआ है यार, मस्त। पूरा क्या मस्त ये वो बनाया है, बिल्कुल जो पिंजरा नहीं होता। बाहर से आप देख सकते हो ये बिल्कुल एक पिंजरा टाइप का दिख रहा है जिसमें पक्षी लोग रहते हैं, मतलब उसी टाइप में बनाया होगा, रजवाड़ा टाइप का। अब बेबी का खाने का टाइम हो गया है, और देखो ये कितने प्यार से खा रहे, कितने प्यार से खा रहा है ये मेरा क्यूटू बच्चा। अब वो कैमरा देख लिया, चलो चलो चलो। अभी टेबल तो खाली हो गया, लेकिन अभी वाला टेबल हमें पसंद नहीं आया क्योंकि बगल में ही बर्तन धुल रहे थे, तो थोड़ा सा क्लमजी सा लग रहा था। तो हम अब वेट कर रहे हैं कि हमें दूसरा टेबल मिल जाए। सो फाइनली टेबल जो है खाली हो गया और हमें सीट यहाँ पर मिल गई है। बहुत ही प्यारा सा लग रहा है, आप देख सकते हो पीछे साइड भी है, उसके पीछे भी है, हमारे राइट साइड भी है। बिल्कुल बहुत सुंदर और बहुत रॉयल प्लेस है ये। अगर आप पुणे में रहते हो तो आपको ज़रूर यहाँ विज़िट करना चाहिए, क्योंकि मतलब हमें भी ऐसा फील हुआ कि वर्दी था यहाँ पर आना। मैंने बोला आपके नहीं, ऐसे नहीं बोला, मैं बताती हूँ।
पहले ना वहाँ पे ना डस्टबिन, वहाँ पर ना डस्टबिन है, बहुत स्मेल आ रहा है। हाँ अच्छा, कितने लोग हैं? दो लोग हैं, तीन चार लोग। अच्छा तो इसने बोला कि भैया वहाँ पे भी जगह ना, अरे सर जाइए ना, अभी का जगह है, जाइए ना, जाइए। अच्छा यहाँ पर ना मेन्यू कार्ड नहीं दिया जाता है, आप फ़ोन से चेक कर सकते हो मेन्यू कार्ड जो है, और स्कैन करके QR कोड देते हैं, उससे स्कैन करके आप देख सकते हो। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि हमें अभी क्या खाना है। ये देखो हमारा खाना आ चुका है। अब चलिए क्या क्या ऑर्डर हुआ है आज? हम कुछ नहीं खा रहे, हम इसको पकड़ के बैठेंगे, हम देखेंगे खाली। ये लोग खाएंगे, हम देखेंगे। और आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अनुषी ब्लॉग को, और साथ में अर्जेंट डायरीज चैनल है, लिंक ओके ओके। खाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही सोबर है, बहुत ही अच्छा टेस्ट। कॉम्बिनेशन बताओ लोगों को, पब्लिक को नया कॉम्बिनेशन आया मार्केट में, ये है मक्के की रोटी और सरसों का नहीं पालक पनीर। नया कॉम्बिनेशन आया, समझ में? नया कॉम्बिनेशन, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा खाना है। अब आप लोग अपने खाने के बारे में बताइए, कैसा लग रहा है आपका खाना? मैं तो बता दिया पहले ही ना, चिकन भुना मसाला मस्त एकदम भून के बनाए। क्या है क्या ये? मैंने नींबू पानी में पी रही हूँ, बहुत ज़्यादा एसिडिटी हो गया है इसलिए। चिकन भी है जी जी, कितना गंदा करके। ये है लेमनेड मॉकटेल, और हमारा थोड़ा स्वेट है तो टॉक्सिन मिलके हो जाएगा कॉकटेल। अब आप लोग बताइए, अच्छा रॉक टेल, कोई एक और नया शब्द है? रॉक टेल और रॉकिंग, रॉकटेल बड़ा रॉकिंग। मेरे वाला बनाने दो। आप लोग बताइए आपको कौन सा पसंद आया? ये रहा राजा बेटा। सो डिजर्ट में हमने मंगवाया जलेबी विथ रबड़ी। टूट पड़ो, मैं अपना पहले इसमें टूट पड़ती हूँ। सो गाइज, अब हम लोगों का खाना पीना हो गया, और सच बताऊँ इतनी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी यहाँ पर, बिल्कुल रॉयल फीलिंग्स आ रही थी। सो अगर आप विज़िट करते हो ना पुणे, तो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए, आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा रॉयल वाला और रजवाड़ा फीलिंग्स, आपको रजवाड़े लोग अच्छे लगते हैं, मुझे तो थोड़ा सा राजस्थानी वाला जो वाइब आता है ना कहीं भी, वो बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे इसलिए बहुत मज़ा आया, क्योंकि साथ में गाने भी चल रहे थे, खाना भी खा रहे थे, और बहुत कुछ है यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए। हमने तो फिश स्पा वगैरह नहीं कराया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, तो आप आराम से यहाँ घूम सकते हैं।
बहुत मज़ा आया सच बताऊं। और अभी यहाँ से 60-65 किलोमीटर है, मतलब दूर है, बहुत अच्छा खासा दूर है। तो अभी 2 घंटा तो अभी हमारे गाड़ी में जाएगा, कोई बात नहीं, मज़ा आएगा, क्योंकि हम लोग 4 लोग हैं, बेबी भी है, तो 5 लोग हैं एक्चुअली में, तो टाइम निकल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी रूममेट के भी चैनल को सब्सक्राइब करें, उनके चैनल का नाम है अर्जन डायरीज़। सो आप सर्च करें यूट्यूब पर, आपको दिख जाएगा। ठीक है गाइज, फिर से मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय।